दोस्तों इस वक्त खड़े हुए हैं हम शरीफ नगर के अंदर। आप देख रहे हैं ये झूला लगा रहे हैं मुल्ला जी, और देखें किस तरह से झूला लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ईद उल अज़हा का मौका है, इस मौके पर झूले लग रहे हैं। ये भी हम आपको छोटा झूला दिखा रहे हैं, बड़ा झूला दिखाएंगे आपको एक दो दिन के बाद, क्योंकि सिर्फ उसकी तरतीब चल रही है। और ये पुराना बाज़ार है, ये देखें तीन कंडियाँ लग चुकी हैं, चौथा बाकी है, काफ़ी मेहनत में लगे हुए हैं हज़रत जी। और ईद की फुल तैयारी है, और ये छोटे बच्चों के लिए है, ये जो बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे, ये सब इन बच्चों के लिए है। और काफ़ी सस्ता किराया है इसका, देख सकते हैं आप, ये सारे बच्चे मौजूद हैं। और ये बच्चे काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि हज़रत कब ये झूला लगाएं और कब हम झूलें, तो स्टेप बाई स्टेप दिखाते रहेंगे आपको झूले की क्या तरतीब होती है, किस तरह से लगता है। और ये देखें पुराना बाज़ार, वो ये पूरा शरीफ नगर का पुराना बाज़ार, वो सामने आगे में झूले रखे हुए हैं, जो कि फ़िलहाल आज झूले आ चुके हैं और शाम तक लग जाएंगे ये, तो हम शाम का भी नज़ारा दिखाएंगे आपको। ये देखें चारों कंडे लग चुकी हैं इसकी, अभी साइड में पत्तियां लगा रहे हैं। अगर आप भी झूला लगाना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लगा रहे हैं झूले। लेकिन ये छोटा झूला है, ये सिर्फ बच्चों के लिए हाथों से झुलाया जाता है। और दूसरा एक होता है जनरेटर वाला, तो वो फ़िलहाल दूसरी साइड लगा रहे हैं। ये देखें साइड में पत्ती लग रही है इसकी, ये देखें बच्चे परेशान कर रहे हैं इनको, लगाने नहीं दे रहे हैं, इतनी जल्दी में है बच्चे, ये चाह रहे हैं कि बस जल्दी हो जाए और हम फिर झूलना शुरू कर दें। सबके हाथों में, बच्चों के हाथों में पैसे हैं, शेख साहब काफ़ी मेहनत में लगे हुए हैं, और इनके साहबजादे, वो छोटे साहबजादे, वो इनके साथ कुछ हेल्प करा रहे हैं। देखें वो दूसरा बच्चा भी हेल्प करा रहा है झूलने के लिए, कि जितनी जल्दी हो जाए इतनी जल्दी झूलें, पैसे भी हैं इनके पास, लेकिन फिर भी हेल्प करा रहे हैं, किस लिए, ताकि इंजॉय करें। और काफ़ी इंजॉय करते हैं छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, कभी हमारा भी दौर हुआ करता था, बचपन की ज़िंदगी थी, ना कोई डर, ना कोई खौफ, और ना ही कोई कमाने की टेंशन, कुछ नहीं था। हमारा भी एक ऐसा दौर गुजरा है, ना कोई टेंशन, बिल्कुल आज़ादी ही आज़ादी। लेकिन आज जहाँ भी देखो पैसा पैसा, जहाँ भी देखो टेंशन टेंशन, फिक्र, यही चाहिए बंदे को, अनैब गफलूस, अनैब गफलूस, बस पैसा किस तरह से आ। देखें चार पत्तियाँ लग चुकी हैं, तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और बने रहिए, हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि ईद का मौका है और यहाँ पे शरीफ नगर के अंदर काफ़ी अच्छा मेला लगता है। तो ख़ास करके शरीफ नगर वालों से कहना चाहता हूँ मैं, कि जो बाहर मुल्कों में रहते हैं, सऊदी अरब, गल्फ, कुवैत, कतर, जहाँ भी रहते हैं, आप ख़ुद वहीं से बैठ कर अपने शरीफ नगर के मेले का नज़ारा देख सकते हैं। जो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई यहाँ नहीं आ सकते ईद के मौके पर, तो सिर्फ देख के ही इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि परदेसी लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ का, अपने शहर का कुछ थोड़ा सा नज़ारा मिल जाए देखने को तो वो खुश हो जाते हैं।
तो अभी फ़िलहाल ईद के काफ़ी दिन हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी गंदगी हो रही है, सारी सफाई हो जाएगी। ये घास वगैरह वो आगे सामने देख रहे हैं, वो कितना बड़ा प्लांट है, वो सारे झूले लगेंगे वहाँ पे, काफ़ी जगह है। ये देखें पत्तियाँ लग चुकी हैं तीन तरह की, अभी चौथी पत्ती बाकी है। वो छोटा सा बच्चा देखो वो उठा के दे रहा है कि बस जल्दी हो जाए और हम एंजॉय करें। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आने वाली आप तक पहुंचती रहे। तो बड़ी सादगी का मिजाज है हज़रत का, बच्चे बड़ा परेशान करते हैं इनको, देखें फिर भी आसपास में लगे हुए हैं। ये आखिरी पत्ती बाकी है साइडों में लगाने के लिए। बहुत छोटा सा झूला है, जितना छोटा झूला है इतने ही छोटे बच्चे हैं, और बच्चों के हिसाब से झूला बहुत बेहतर है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो हम आपको शुरू से दिखा रहे थे कि झूला किस तरह से बनता है, स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहे आपको। अब ये देखें स्पिनर ले गए हैं चाबी, जो को उससे टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद फिर उसके बाद फिर बच्चों को झुलाएंगे। देख सकते हैं आप बच्चे परेशान कर रहे हैं हम हजरत, करने नहीं दे रहे हैं। ये देखें झूला स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा टाइट कर रहे हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे बच्चे किस तरह से झूलते हैं। ये देखिए जो आपको दिखा रहे थे हम, कितना शोर मचा रहे बच्चे, जो बच्चे हाथ में पैसा लेकर के खड़े हुए थे और हज़रत की खिदमत में लगे हुए थे कि झूला जल्दी स्टार्ट हो जाए। ये वही बच्चे हैं पैसे देने के बावजूद भी झूल रहे हैं। देखें दूसरा बच्चा, उसे कुछ नहीं मिलने वाला लेकिन फिर भी उसे झूलाने में मज़ा आ रहा है। तो बचपन की ज़िंदगी तो बड़ी ही प्यारी होती है। ये देखें इन्हीं बच्चों ने लगवाया, इनके साथ हेल्प की, और यही बच्चे झूलने के लिए कितने बेताब थे। देखें कितना शोर गुल कर रहे हैं। और अभी ईद के फ़िलहाल यानी जुमरात को ईद होगी, तो आज से 6-7 दिन बाकी हैं ईद के भी फ़िलहाल, लेकिन अभी से शुरू हो चुका है ये मेला। देखें तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और जुड़े रहिए, ताकि हर चीज़ आपको, हर अच्छी ताज़ी नई वीडियो आप तक पहुंचाते रहें, कुछ खेलने की, कुछ इस्लामिक वीडियो, कुछ इस्लामिक पोस्ट पहुंचती रहेगी। और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़ी ही प्यारी ज़िंदगी होती बचपने की। ये झूला रुक चुका है, और झूले का जो किराया है बच्चे का, ये 5 रुपये का किराया है बच्चों का। देखें 5 रुपये का किराया है बच्चों का। ये रुक चुका है, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से स्टेप बाई स्टेप बच्चे उतरते रहे। ये देखें एक एक कुंदा लगा करके और एक एक बच्चे को उतारते हैं, ताकि किसी के चोट फूट ना लग जाए। कितने खुश होते हुए आ रहे हैं बच्चे, देखें